So let's start discussing about the very first type, main verb, which is also known as action verb. अब पहले बात करते हैं कि main verb होता क्या है. Main verb और action verb क्या होते हैं बेटा? These are the verb which are used to express the action. इसलिए use किए जाते हैं express करने के लिए. किस चीज को? Action को. किसके action को? किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल या किसी की भी थिंग की. ठीक है, जैसे कोई चल रहा है तो वॉक एक्शन हो गया, कोई बैठा है तो सिट, कोई खड़ा है तो स्टैंड, है ना, कोई सोच रहा है तो थिंक, ओके, कोई लिख रहा है तो राइट, ओके. जैसे डॉग है, डॉग क्या करता है? भौंकता है, तो बार्क. ये उसके एक्शन है. किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल, किसी भी थिंग के जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एक्शन वर्ब कहते हैं. एंड दीज वर्ड्स आर द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेन वर्ब. जैसे कि शी सिट्स अलोन, वो अकेली बैठती है, तो शी क्या करती है? सिट, बैठने का एक्शन करती है ना. तो सिट क्या हो गया? मेन पार्ट हो गया सेंटेंस का. तो वो हमारा क्या बन गया? मतलब मेन वर्ब. जैसे कि राम प्लेस फुटबॉल. अब अगर इस सेंटेंस में बात करो, राम सब्जेक्ट है, राम क्या कर रहा है बेटा? राम प्ले कर रहा है. क्या प्ले कर रहा है? फुटबॉल. तो इस पूरे सेंटेंस में मेन एक्शन क्या हो रहा है? प्ले. सो प्ले मेन वर्ब हो गया. इसका मतलब मेन एक्शन वही हो रहा है ना पूरे सेंटेंस में. तो ये क्या बन गया? हमारा मेन वर्ब. समझ रहे हो? मेन वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना, क्योंकि बाकी सारा वर्ब इसी पे डिपेंडेंट है. ठीक है, अगर मैं कहूँ जैसे कि शी डांस्ड ऑन द स्टेज, वो स्टेज पे डांस, उसने डांस स्टेज पे डांस किया. तो शी ने क्या किया था? मेन एक्शन क्या हुआ था? डांस. तो डांस इस सेंटेंस में क्या है? मेन एक्शन हो रहा है पूरे सेंटेंस में. कि शी डांस ऑन द स्टेज, तो पूरे सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? डांस होने का. सो ये हमारा मेन वर्ब है, दैट्स व्हाई ये हमारा ये मेन पार्ट है सेंटेंस का. तो ये मेन वर्ब बन गया. एंड ये एक्शन वर्ब क्यों कहलाता है? क्योंकि ये शी के एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है कि शी क्या कर रही है? डांस कर रही है. सो मेन वर्ब और एक्शन वर्ब एक ही बात होती है. ठीक है, जैसे कि द सन शाइन, सन हमारा सब्जेक्ट है, सन क्या कर रहा है बेटा? शाइन कर रहा है. तो सन ने, सन जो एक्शन कर रहा है वो क्या है? शाइन करना. तो ये क्या हो गया? एक्शन वर्ब. क्यों एक्शन वर्ब हो गया? क्योंकि ये क्या है? एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है. किसके? सन के. बट दिस इज द मेन पार्ट इन द सेंटेंस, कि पूरे सेंटेंस में काम ही शाइन करने का हो रहा है. दैट्स व्हाई ये क्या बन गया? हमारा मेन वर्ब. राइट, जैसे द हॉर्स नेज. हॉर्स क्या कर रहा है? नेज करना. नेज क्या होता है? साउंड ऑफ अ हॉर्स. ठीक है, तो हॉर्स क्या कर रहा है? नेज करने का काम कर रहा है. तो ये उसका एक्शन हो गया हॉर्स का. तो ये तो बन गया हमारा एक्शन वर्ब. एंड अगर मैं इस पूरे सेंटेंस में मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्या क्या हो रहा है, मेन वर्ब क्या है, मेन एक्शन क्या है पूरे सेंटेंस में, तो आप कहेंगे नेस करना. तो ये हमारा मेन वर्ब भी है. राइट, ओके, नेक्स्ट. जैसे कि द मंकी जंप्स. मंकी क्या कर रहा है? जंप कर रहा है. सो मेन एक्शन क्या है मंकी का? जंप करना. तो ऑफकोर्स ये हमारा क्या बन गया? एक्शन वर्ब. बट दिस इज द मेन पार्ट इन द सेंटेंस, दैट्स व्हाई ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब. करेक्ट, क्लियर है? लेट्स चेक सम मोर एग्जांपल रिलेटेड टू एक्शन वर्ब एंड मेन वर्ब. जैसे कि रन, गो, स्टैंड, डांस, स्लाइड, स्माइल, जंप, लिसन, थिंक, डू, दीज ऑल आर व्हाट विच यू, दीज ऑल आर एक्शन वर्ब. है ना, क्यों? क्योंकि ये किसको डिफाइन कर रहे हैं? एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट. ओके, तो आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना आ सकता है विच इज द एक्शन वर्ब. तो आप कैसे करोगे? शी रन फास्टर देन डेविड. इस पूरे सेंटेंस में एक्शन कौन सा हो रहा है? आई जो है क्या एक्शन कर रही है? रन करने का. क्या एक्शन कर रही है? रन करने का. किससे? फास्टर देन डेविड. तो पूरे सेंटेंस में मेन एक्शन क्या हो रहा है? रन. तो ये हमारा एमवीबी है और ये हमारा एवीबी है. क्यों? क्योंकि एक्शन वर्ब है. एक्शन वर्ब किस लिए है? क्योंकि ये आई का एक्शन है.
आई क्या कर रहा है, रन करने का एक्शन कर रहा है, तो एक्शन वर्ब हो गया, बिकॉज इट इज अ मेन पार्ट इन द सेंटेंस, दैट्स व्हाई इसी पे पूरा सेंटेंस क्या है बेस्ड है, दैट्स व्हाई इट इज मेन वर्ब. जैसे आई डज इट वेल, या थिंक्स अबाउट, शी थिंक्स अबाउट पोएट्री ऑल अराउंड. तो शी क्या कर रही है, थिंक करने का एक्शन कर रही है. ठीक है, अब थिंक करना वैसे तो बेटा कोई फिजिकल एक्शन तो है नहीं हमारा, ठीक है, ये हमारा मेंटल एक्शन है. ठीक है, दिमाग से हम एक्शन करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो फिजिकल एक्शन करे वही एक्शन वर्ब होंगे. दिमाग से अगर कोई एक्शन करते हैं वो भी हमारे एक्शन वर्ब बनते हैं. क्लियर है? क्लियर है? यस, एक्शन वर्ब क्लियर है? इफ यस देन शो मी थम्स अप. सो लेट्स रिवाइज जो हमने अभी तक पढ़ा है. हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, वर्ब के बारे में. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स. करेक्ट, पीपीटी ओपन कर लूं? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.